नमस्कार, आई एम रविंदर सिंह गरेवाल, ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया या पूछा मुझसे कि हमारे डॉग के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। उसके 3 4 रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज ब्रीड, जिस जो बाल शेफर्ड हो गया और रिटीवर हो गया, टी एम गद्दी हो गया और सेंट बर्नार्ड, इनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो जब झड़ते हैं तो घर में बहुत परेशानी होती है या बहुत दिखाई देते हैं। वैसे तो हर ब्रीड के बाल झड़ते हैं, लेकिन पग वगैरह या और ब्रीड छोटी हो जिसमें बाल छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा नजर नहीं आते, लेकिन कम झड़ते उनके भी हैं। उसका फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न होता है डिवॉर्मिंग, सही टाइम पर डिवॉर्मिंग नहीं करना। ये सबसे आप कहीं भी जाकर चेक कर सकते, 90% रीज़न यही होता है। उसके ऊपर नेक्स्ट रीज़न होता है उसका खाना, आप क्या दे रहे हो। आप घर में कोई भी मसाले वाली तुड़के वाली चीज़ नहीं डॉग को दे सकते, मीठा नहीं आप दे सकते, दूध नहीं आप दे सकते, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो डॉग हेयरली डॉग ब्रीड है, जो जिसके जिस भी नस्ल के डॉग के बाल ज़्यादा हो, उसमें बहुत सारी लासा है, पोमेरियन है, टॉय पॉम है, क्योंकि उन ब्रीड की पहचान ही उनके बाल है। तो उसका हमें जितना कि एक मस्कुलर डॉग है, रॉटवीलर हो गया या अमेरिकन बुली हो गया, जिसका हमें उतनी मेहनत मसल पर करनी पड़ती है बनाने के लिए, उसको मोटा रखने के लिए, फैट पाने के लिए, उन जैसे बालों वाली ब्रीड है तो उसको हमारी उतनी मेहनत हमारी बालों पर लगेगी। मार्केट में बहुत सारे स्किन प्लास्पोर्ट के अलग अलग तरह के विटामिन अवेलेबल हैं, आप वो 2 टाइम डॉग को देना ही देना है, क्योंकि आपकी डॉग की पहचान ही बाल है। उसके लिए खास जो स्पेशल शैम्पू आता है बालों वाली ब्रीड के लिए वो लीजिए, नॉर्मल शैम्पू मत लीजिए। उसके बाद उसका कंडीशनर आता है, जैसे कि लंबे बालों को, लेडीज के बाल जैसे लंबे होते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है, सेम बालों वाली ब्रीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इन सब रीजन के बाद अगर इनसे हम एक भी कुछ भी चीज गलत कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, उसका एक रीजन हो सकता है कि हमारे डॉग के बाल झड़ रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है। और एक बात सबसे मेन ये है कि जो नेचुरल जो हैबिट है, डॉग का बाल साल में एक बार झड़ने ही झड़ने हैं, तो उसका क्या नहीं है, आप डॉग को गार्डन में कहीं भी बिठाइए, ब्रश आम मार्केट में मिल जाता है, उसको 2 टाइम अच्छी तरह ब्रश कीजिए, क्योंकि वो डेड बाल है वो आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो डेड बाल वो लाइव बालों के साथ मिलकर एक जटों जैसा, गंदगी सा जैसा एक चीज तैयार हो जाएगी, जो बाद में छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको वो काटने पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास बालों वाली ब्रीड है तो 2 टाइम दिन में उसको कंघी जरूर कीजिए प्लीज। एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% रीजन बालों का झड़ना डिवॉर्मिंग होता है, तो हमारे डिवॉर्मिंग का एक स्पेशल वीडियो है जो हमने हमारे चैनल पर आप ढूंढ सकते हो, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, और वहां से वो लिंक ले देकर आप वो एक बार अच्छी तरह वीडियो देखिए, आपके 90% सवालों का जवाब वहां है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ और चीज आपके मन में है, जस्ट गिव मी अ कॉल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमें थम्स अप दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा हमारा लिंक फॉरवर्ड थ्रू व्हाट्सअप और थ्रू फेसबुक कीजिए। ये हमें हेल्प करता है, हमें बूस्ट करता है। वी नीड योर एनर्जी, वी नीड योर बूस्ट, प्लीज हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच।